आप 40 कॉल आज नहीं करे, जब आग लगी थी ना तो 40 कॉल इन्होंने कहा था कि मैंने 40 कॉल करे। भैया एक बात बताओ ना, उसका घर चल, उसका घर तोड़ दिया। अरे बाल चले गए, वो बात सही है, बाल चले गए मेरे। तो आप पुलिस के पास जाओ, और किसके पास जाओ, अपनी शिकायत रखने अपनी शिकायत पुलिस के पास ही तो रखूंगा। अब ठोको भाई गाड़ी में, बच्चा भी इधर ठोक ले भाई, अरे उठा के भी ठोक दो ऐसे ही, ये ठोको उठा के अभी ठोको ही। एक मिनट लग लगी, एक मिनट खबर है, खबर खबर खबर, ये एक मिनट लग लगी, यही ठोक दूंगा अभी, जब ना बता वाली बात कर रहे हैं, ठोक दो भाई गाड़ी में, बच्चा भी इधर ठोक ले भाई, अरे उठा के भी ठोक दो ऐसे ही, ये ठोक दो उठा के अभी ठोक दो ही। एक मिनट लग लगी, एक मिनट खबर है, खबर खबर खबर, ये एक मिनट लग लगी, यही ठोक दूंगा अभी, जब ना बता वाली बात कर रहे हैं। कैंट एरिया में लगभग एक माह पूर्व एक भवन में आग लग गई थी, जिसके बाद से उक्त भवन रहने योग्य नहीं रह गया था। उसी भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कैंट बोर्ड की टीम के द्वारा संपादित की जा रही थी, जिसमें उस भवन के मकान मालिक का NOC भी प्राप्त कर लिया गया था। इसी कार्रवाई के दौरान कुछ व्यक्ति जो पूर्व में वहां किराएदार के रूप में रह रहे थे, और उन्होंने अपना ताला अभी भी लगा रखा है, अपने साथ 25-30 लोगों को लाकर कैंट बोर्ड की टीम के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिए, JCB पर पथराव करने लगे। ये सब होने पर वहाँ पर मौजूद उपनिरीक्षक स्वराज सिंह के द्वारा उक्त व्यक्तियों के साथ कहासुनी हुई। इसी कहासुनी के दौरान उनके द्वारा कथित ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसे कि पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करना चाहिए था। इस संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में कैंट बोर्ड के CEO के द्वारा पथराव करने वाली टीम, हंगामा करने वाले और कैंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, और पब्लिक प्लेस पे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वाले उपनिरीक्षक की भूमिका और संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी कैंट को निर्देशित किया गया है।